हेलो गाइस, मेरा नाम है दिलीप और आज की सबसे फ्रेश और ताजा खबर यह है कि 2000 का नोट बंद किया जा चुका। और गाइस आपको बता दें, इससे रिलेटेड मार्केट के अंदर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर इस 2000 के नोट को बनाया क्यों गया अगर इसको बंद करना था। तो गाइस इस सवाल का हम जवाब देंगे लेकिन वीडियो के लास्ट में। फिलहाल आइए चलते हैं अपने खबर की तरफ। तो गाइस आपको बता दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोले तो आरबीआई ने शुक्रवार को यह फैसला लेते हुए बताया कि अब 2000 के नोट चलन में नहीं रहेंगे। और गाइस आपको बता दें कि आरबीआई ने यह फैसला क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया है, जहां आरबीआई के इस फैसले के मुताबिक 2000 का नोट अगर आपके पास है तो उसे आप सिर्फ 30 सितंबर तक बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं या फिर उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। और गाइस आपको एक बात और बता दें कि एक बार में आप सिर्फ 10 नोट को ही एक्सचेंज कर पाएंगे या फिर जमा कर पाएंगे, यानी कि 20,000 रुपए ही सिर्फ आप जमा कर सकते हैं। फाइनली गाइस अब आ जाते हैं अपने सवाल के ऊपर कि आखिर 2000 के नोट को लाए क्यों गया मार्केट के अंदर अगर इनको बंद ही करना था। तो गाइस आपको भी याद होगा कि जिस टाइम पे नोट बंदी हुई थी उस टाइम पे 1000 और 500 के नोट ही हमारी अर्थव्यवस्था के 80% हिस्से को संभाल रहे थे। और गाइस जैसे इन नोटों को बैन किया गया वैसे ही भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कोई नोट ही नहीं बचा। और गाइस आपको बता दें कि उस टाइम पे डिजिटल पेमेंट का उतना जमाना नहीं था, जिसके वजह से आरबीआई के सामने ये बात एक चुनौती बन गई। अब गाइस इस चुनौती के बाद अगर भारत सरकार 24 घंटे भी 500 और 1000 के नए नोटों को प्रिंट करता फिर भी 80% हिस्से को कवर करने में बहुत समय लग जाता। इसीलिए गाइस आपको बता दें मार्केट में 2000 के नए नोट लाए गए। और गाइस आपको बता दें कि ये नए नोट भी साल भर में भारत की अर्थव्यवस्था का सिर्फ 50% हिस्सा ही कवर कर पाते हैं। वेल गाइस अब मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि मार्केट में 2000 के नए नोट को क्यों लॉन्च किया गया था। वैसे गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।